हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास रिकनेक्ट का वॉशिंग मशीन है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका गियर बॉक्स कैसे सेट करते हैं। इसका गियर बॉक्स और पल्सटर दोनों ख़राब हो चुका है, ठीक है। देखिए, पल्सटर और गियर बॉक्स हमने खोल रखा है। तो गियर बॉक्स और पल्सटर में क्या हुआ, किस कारण ख़राब हुआ, वो हम आपको बताते हैं। और किस तरीके से गियर बॉक्स को चेंज करेंगे, वो भी आज हम आपको बताएँगे। आइए हम इसका गियर बॉक्स और पल्सटर दिखाते हैं। नया गियर बॉक्स और नया पल्सटर दोनों आ चुका है। ये देखिए, हमारे पास ये नया गियर बॉक्स है और ये पुराना वाला गियर बॉक्स है, ठीक है। इसमें इसका जो बूश अंदर का होता है वो ख़राब हो चुका है, स्लिप कर गया है, ठीक है। इस कारण ये गियर बॉक्स ख़राब हो गया था, इसलिए इसका नया सेट हम मंगवाए हैं। इसे हम इसमें आज फिट करेंगे वॉशिंग मशीन में। फिट कर किस तरीके से फिट किया जाएगा, ये आज हम आपको दिखाएँगे, ठीक है। तो गियर बॉक्स जब भी आप खरीदें सेट करने के लिए वॉशिंग मशीन में, तो उसका ध्यान रखें कि गियर बॉक्स का जो ये पुल्ली होता है वो सेम होना चाहिए, इसका ये जो शाफ्ट है वो सेम होना चाहिए, इसकी जो शाफ्ट की हाइट है वो भी सेम होना चाहिए, तभी ये गियर बॉक्स आपस में सेट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हैं ये दोनों गियर बॉक्स सेम है, ठीक है। और ये पल्सटर है नया वाला, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये पुराना वाला है, इसमें क्या हुआ था, ख़राब क्यों हुआ, इसका जो ये घाट आप देख रहे हैं ये स्लिप कर गया है, इसी कारण से ये ख़राब हो गया है। इसलिए हम ये नया पल्सटर इसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको सेट करेंगे, फिट करेंगे, आज हम आपको दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। जब भी आप इसका पल्सटर खोले साफ़ करने के लिए, इसका ड्रेन एरिया साफ़ करने के लिए या फिर गियर बॉक्स वगैरह सेट करने के लिए, तो कोशिश करें कि थोड़ा सफाई कर दिया करें। ये देखिए कितना डस्ट हो रहा है, ये थोड़ा बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जब भी ड्रेन का प्रॉब्लम है ड्रेन साफ़ करें, तो पल्सटर खोल के इसके अंदर भी साफ़ कर दें, और गियर बॉक्स जब भी लगाएं तो भी यह साफ़ कर दें। मशीन को इस तरह से सुला करके सारा स्क्रू जो होता है आपको यहाँ पर देख रहे हैं, सारा स्क्रू खोल दिया है हमने। खोलने के बाद इसको इस तरीके से ये पूरा अलग हो जाएगा। अलग करने के बाद यहाँ पे हम गियर बॉक्स सेट करेंगे, कैसे करेंगे वो दिखाते हैं हम आपको। गियर बॉक्स को अब हम इसमें सेट कर रहे हैं। इसको सेट करने शुरू, इसको अच्छी तरह से बैठा लेने के बाद तो इसके घाट में स्क्रू टाइट करेंगे। पहले सारे स्क्रू को पहले आपस में फंसा लेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे सबको फुल टाइट मार करके फिनिश कर लेंगे। इस तरीके से आप भी गियर बॉक्स चेंज कर सकते हैं। पूरी तरह से ये गियर बॉक्स का सभी नट मैंने टाइट कर लिया है। अब इस टाइट कर लेने के बाद अब सबको एक बार चेक कर लेंगे कि सब पूरी तरह से टाइट हुआ है या नहीं। अब उसके बाद फिर हम इसको जो फर्क के खोल करके जगह बनाए थे काम करने के लिए, अब इसको आपस में कनेक्ट करके इसे भी फिट कर लेंगे। गियर बॉक्स लगाना हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए शाफ्ट यहाँ नज़र आ गया। अब इस शाफ्ट में हम इसके पल्सटर को फिट करेंगे, ठीक है। ये भी स्क्वायर है, इसमें बैठाने से हमें ध्यान रखना होगा कि स्क्वायर में ही जाके ये बैठना चाहिए पूरी तरह से। देखें ये बैठ गया। अब इसमें इसका नट टाइट करके इसको फिनिश कर देंगे। ये कंप्लीट हो चुका। अब इसे चालू करके हम चेक कर लेंगे, ठीक है।